ये है हमारी शैम्पू वगैरह जो हमने इधर रख दिए हैं। पहले हमने विंडो साइड साफ करनी है। ये हमारा टॉयलेट है और ये पहले काफ़ी साफ है, साफ है तो इसे करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन सी इसके साइड में डस्टबिन है, ये भी साफ कर देते हैं हम। और यहाँ पे लॉन्ड्री के कपड़े रखते हैं, जब हफ्ते के कपड़े हो जाते हैं तब हम उन्हें वॉश कर देते हैं, ठीक है। तो कोई यहाँ पे ये टॉयलेट पेपर रखा है और बाकी ये सारे शैम्पू वगैरह अगर चाहिए होते तो यहाँ से यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे टूथपेस्ट है, सभी के ब्रश हैं, सभी के ब्रश मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर है, तो आपको पता ही है कैसे साफ करना है, बहुत सिंपल है। जैसे हार्पिक की एड आपने देखी होगी। तो ये सिंक है, सिंक के हम कैसे साफ़ करते हैं, यहाँ एक जाली लगी होती है, ठीक है, ये जाली गंदी हो जाती है तो इसको साफ़ करने के लिए हमें सिंपल ये वाटर की वजह गर्म यहाँ से आता है ठंडा वाटर, इधर से गर्म आता है, तो अभी थोड़ी देर में गर्म पानी आएगा। तो ये देखिए ये जो गंद था ये इसलिए लगा होता है बाई चांस किसी की रिंग हो वो अंदर ना चली गए, दैट्स व्हाई। तो सबसे पहले ये देखिए, सो गाइस नया हार्पिक टॉयलेट के लिए नीला और बाथरूम के लिए लाल, बाथरूम के लिए लाल है और टॉयलेट के लिए नीला। हौली बोल रहा हूँ तो सिर्फ हम दरवाजा बंद करते बहुत शोर हुआ है। तो सबसे पहले हम उसकी साफ सफाई करेंगे, बाथरूम के टाइल्स की गंदी हो जाती हैं। तो बाथरूम में ये नहीं है कि हमने सिर्फ टॉयलेट साफ करना है, उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, बाथटब से लेके टाइल्स से लेके जो भी चीज़ें हैं लाइक सिंक वगैरह, ये अलग अलग हमने रखा है। बहुत सारे फ्रेशनर्स होते हैं, क्लीनर्स बहुत टाइप के होते हैं, इसका बाथटब का अलग क्लीनर होता है और टॉयलेट का अलग होता है। तो इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा है, स्मेल इन द सेंस खुशबू, वो गंदी वाली स्मेल नहीं है। तो ये साफ कर रहे हैं, नाक बंद करनी पड़ रही है। अमर आपको कैसा लग रहा है? ये तो हमारा रोज का मतलब वीक में एक बार साफ कर लिया करिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है बहुत प्रॉब्लम आती है जब अगर आप एक बार बीमार हो जाओगे ना तो बहुत ही प्रॉब्लम आएगी आपको। तो ये देखिए एक बार अगर आप बीमार हो गए तो बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, इसलिए खर्चा बहुत है। जरा सा बुखार होगा $600-700 लग जाएगा, फिर गर्मी वाले आपको दे ना दे $600-700 सुन सकते हो। $600-700 मीन्स $350 एक मंथ का रेंट है हमारा। तो $350 है। तो ये देखिए ऐसे जो स्क्रब बार होती है उससे हम ये साफ़ करते हैं, ठीक है। कई बार डस्ट जम जाती है और तो ये जो केमिकल टाइप है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसकी स्मेल बहुत नाक पे लग रही थी। तो गैस मेरा तो यही मैसेज रहेगा कि अगर आपको टॉयलेट साफ़ करना है तो ज़रूर टॉयलेट के साथ साथ अपना बाथरूम भी साफ़ कर लीजिएगा। नहीं इससे नहीं करवाना, सभी अपना टॉयलेट खुद साफ़ करें, अब अमर थोड़ी ना आके करेगा। ये क्यों मेरा कंसर्न है, क्योंकि आपको पता ही है कि डिसीज़ या एक जगह से उधर चलते हैं, हमें को किसी का हाइजीन का नहीं पता है, कोई नहाता है नहीं नहाता है। सही में तो पैसा किया, पैसा तो हाथा नहीं मारेगा। हाँ हाँ देख सकते हैं अब आएगी प्रॉपर। नाइस करो, इसको अच्छे से कर लेंगे टाइल्स को। भले आपको ये थोड़ी क्लीन लगती है बट कैमरे में क्लीन लग रही है, बट ये है थोड़ी सी गंदी, वीकली आप साफ कर लीजिए ज़्यादा बेटर रहेगा बाथरूम, उससे ये होगा कि हाइजीन बना रहेगा प्रॉपर, और जो जिन्होंने रेंट पे दिया है हाउस उन्हें भी अच्छा लगेगा। स्टूडेंट्स को लोग क्यों नहीं देते, रीज़न यही है, या तो वो घर का सत्यानाश कर देते हैं, ठीक है, कुछ स्टूडेंट 10%, मैं नहीं कह रहा कि सारे स्टूडेंट्स, 10% स्टूडेंट्स हाइजीन नहीं रखते प्रॉपर, तो जब वो लीज़ छोड़ के जाते हैं, जो लीज़ होती है हमारी 4 महीने की भी होती है और साल की भी होती है, अगर वो लीज़ छोड़ के जाते हैं तो फिर वो
लाइक बहुत ही गंदी कंडीशन में छोड़ के जाते हैं कमरे को, क्योंकि उनके पैसे पूरे हो जाते हैं। तो हम उन्हें, जो मकान मालिक होता है वो उन्हें फोर्स भी नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी जो लीज थी वो ख़त्म हो गई है, वो एग्रीमेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट। तो फिर उसकी वजह से जो ट्रस्ट इशू बन जाता है कि मकान मालिक ये स्टूडेंट कुछ गंद ना डाले लाइक, इसलिए हमें अपने घर की तरह जहाँ रहना है अपने घर की तरह रहना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर आप ट्रस्ट टूट गए अगले के लिए आप परेशानी बनाते हो दूसरों के लिए, दूसरे स्टूडेंट्स को जो जो साफ भी करने लायक होते हैं ना, जो साफ कर देते हैं घर को, उन्हें भी बहुत प्रॉब्लम आती है रूम ढूंढने में। लाइक जैसे हमें अकोमोडेशन मिलने में बहुत प्रॉब्लम आई थी, वो जो फैमिली थी वो डिमांड कर रही थी, मींस जो रेंट पे दे रहा था हाउस, टाउन हाउस था, वो डिमांड कर रहा था कि फैमिली होनी चाहिए। फैमिली का मीनिंग ये है कि वहाँ पे एक हाउसवाइफ होनी चाहिए। तो हाउसवाइफ क्या करती है, हाउसवाइफ का जो काम होता है लाइक घर का भी काम करती है एज वेल एज बाकी भी काम करते हैं। जो स्टूडेंट्स होते हैं मोस्टली बाहर का खा लेते हैं, और उसकी वजह से बाहर का खाने के बाद अंदर लाइक बाहर से चीज़ें लाएंगे अंदर फेंक देंगे। तो इसलिए मैंने यही वीडियो बनाई, मैंने सोचा चलो लोगों को फनी लगेगी बट इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट और आपके लिए बहुत ही क्रूशियल है। क्यों अमरवीर? हाँ, मेहनत तो लगती है बट आप ऐसा करवा सकते हो, अगर आपके घर में 5 मेंबर हैं तो मतलब 5 मेंबर में अगर एक नहीं करता, एक को कोई और काम दे दो लॉन्ड्री का, हफ्ते में एक बार करवाओ, 4 हफ्ते। हाँ, कई लोगों को एक चीज़ पसंद है, कई लोग पसंद नहीं, इन द सेंस एक ही चीज़ कर लेते हैं, कई लोग दो दो कर लेते हैं, तो ड्यूटी लग जाती है। इससे क्या होता है कि बना रहता है कि हाँ कोई वेला नहीं बैठा, सारे काम कर रहे हैं। अगर आपको खाना नहीं बनाना आता, यू कैन डू लॉन्ड्री और ये सारा साफ कर सकते हो। तो आप देख सकते हो ये है वॉशरूम, तो टॉयलेट तो सही कंडीशन में है। यहाँ पे जो चीज़ें रखी होती हैं ये देखिए, यहाँ पे हमारा जो होता है शेविंग का सामान, हेयर ड्रायर और बाकी इधर रखा हुआ सामान। जगह तो है अच्छी सी और सुंदर सी। इधर बाथरूम में भी एसी है, ये देखिए हीटर इधर भी लगा हुआ है, ये हीटर है ताकि आपको ठंड ना लगे। -30 जब -40 अगर होता है ना टेम्परेचर, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। सो गाइस, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए मेरा यही मैसेज था कि साफ़ सफाई रखा करिए। अगर अपने आप घर में नहीं साफ़ सफाई रखेंगे, आप दूसरों के लिए भी प्रॉब्लम बना रहे हैं और अपने लिए भी। सो गाइस, अपने ध्यान रखें और जो भी न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं इसका ज़रूर ख्याल रखें। तो अमर बाय कर दो और व्यूवर्स को कहो साफ़ सफाई रखें। सो बाय गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर और कीप क्लीन, साफ सफाई रखना जरूरी है। बाय बाय, टेक केयर।